तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि मैं ऑन ए के 9 प्रोजेक्टर का रिव्यू लेके आऊँ। सबसे पहले तो आज जो है मैं इस प्रोजेक्टर का रिव्यू लेके आ चुका हूँ। ये आपके सामने में है, इसका बॉक्स सामने आप यहाँ पर ऑन का नाम देख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर का इमेज है, ऑन ए के 9 प्रोजेक्टर फुल HD थिएटर ये लिखा हुआ है। नीचे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि 1080p रेजुलेशन वाला ये फुल HD प्रोजेक्टर है। एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ में आता है। लुमेंस इसकी जो है 8000 लुमेंस मेंशन की गई है। IPS LCD डिस्प्ले है। इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन करेक्शन ये जो है इसके कुछ फीचर्स आपको बॉक्स के सामने की तरफ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ ऑन का नाम देख सकते हैं, मॉडल नंबर, रेजुलेशन और कुछ और भी स्पेसिफिकेशन जैसे कि इनपुट वोल्टेज, और नीचे की तरफ कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें इसकी बैक साइड में, तो यहाँ पर इस तरह का आपको जो है प्रोजेक्टर का इमेज देखने को मिलेगा ऑन AK9, और बॉक्स के राइट साइड में इस तरह के कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गई इसके बॉक्स की बात, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो चलिए इसका जो है हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्टर निकलेगा और उसके अंदर कुछ चीजें जो इस प्रोजेक्टर के साथ में आती है, जैसे कि 2 3D ग्लासेस, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक रिमोट, एक AV केबल और एक मैनुअल गाइड इस प्रोजेक्टर के फंक्शन और ऑपरेटिंग को समझने के लिए। तो भाई ये तो हो गए प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल लुक की बात। तो दोस्तों ग्रे मेटालिक और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में प्रोजेक्टर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर की तरफ यानी कि टॉप के साइड में यहां पर आपको एक शटर विंडो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको फोकस एडजस्टिंग व्हील देखने को मिलेगा। यहां पर आपको जो है कोई फिजिकल कीस्टोन करेक्शन या फिर मैनुअल कीस्टोन करेक्शन जो कहते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ इस तरह से जो है ब्लैक कलर में आपको मैनुअल बटन और सामने की तरफ आपको जो है एक और बटन देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ कुछ और फिजिकल बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ आपको प्रोजेक्टर इस तरह का शाइनिंग ब्लैक के डिजाइन में देखने को मिलेगा, जिसमें एक IR रिसीवर है और एक इमेज करेक्शन लेंस जो कि एक रबर डस्ट प्रोटेक्शन कैप के साथ में फिट है। और ये जो डस्ट प्रोटेक्शन कैप है ये भी काफ़ी अच्छा और मजबूत लग रहा है, और यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा इसकी जो फिटिंग है काफ़ी फिक्स है। तो कैप को निकालते हैं बाहर। इसके बाद प्रोजेक्टर के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आपको हीट वेंटिलेशन ग्रिल देखने को मिलेगा, और बैक साइड में एक 5 वाट का स्पीकर। प्रोजेक्टर के बैक साइड में सारे कनेक्टिविटी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इंटरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट, एक AV पोर्ट, एक IR रिसीवर, और नीचे के साइड आपको एक पावर पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और उसी के राइट साइड में आपको जो है एक बड़ी सी फिल्टर ग्रिल देखने को मिलेगी, जो प्रोजेक्टर के राइट साइड में इस तरह से एक आपको फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको ओपन करके प्रोजेक्टर की जो डस्ट है उसको क्लीन कर सकते हैं, और वहीं राइट साइड में एक और आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको 4 रबर फुट, जिसके अंदर आपको सीलिंग माउंट थ्रेड देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ एक हाइट एडजस्टिंग नोब और ऑन AK9 का यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुए प्रोजेक्टर के फिजिकल लुक्स, अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन जो कि कंपनी के द्वारा दी गई है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक फुल HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाला एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसका एंड्रॉइड वर्जन 9 है। 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ब्राइटनेस इसकी कंपनी के हिसाब से 8000 लुमेंस की है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 20:1 का है। स्क्रीन साइज की बात करें तो ये प्रोजेक्टर आपको 40 से लेकर 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकती है। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ है, और इस प्रोजेक्टर के अंदर 4D की स्टोन करेक्शन के साथ साथ 6D की स्टोन करेक्शन मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक आपके कॉर्नर को सेट करता है। प्रोजेक्टर में 2 4 ओम 10 वाट की स्पीकर्स हैं। लैंप लाइफ इसकी 50,000 आवर्स की है, और ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है 4K को HDMI के थ्रू। तो ये तो है प्रोजेक्टर के स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन। अब करते हैं इस प्रोजेक्टर को सेटअप और करते हैं इसका स्क्रीन टेस्ट, और देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट और पिक्चर क्वालिटी आता है और किस तरह का एक्सपीरियंस हमें इस प्रोजेक्टर से मिलने वाला है। तो गाइस यहां पर जो है प्रोजेक्टर को मैंने सेटअप कर दिया है, अब करते हैं प्रोजेक्टर को ऑन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑन का लोगो या ब्रांडिंग देख सकते हो, और फिलहाल कमरे में जो है एक लाइट ऑन है जो कि है 9 वाट का। तो प्रोजेक्टर हमारा जो है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पर जो है इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। होम बटन है जहाँ पर इस तरह का जो है बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसका इंटरफेस जो है काफ़ी डिफरेंट है, किसी एंड्रॉयड TV बॉक्स की तरह जो है इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम होम के बटन में जाएँ, तो यहाँ पर होम के बटन के साइड में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो सर्च के ऑप्शन में जाके आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे मूवी वगैरह या कुछ भी सर्च करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद में ऐप्स, और यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो है ऐप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे आप
जाते हैं तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड वीडियोस आपको मिलेंगे, ऐप स्टोर मिल जाएगा और प्ले स्टोर भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से फ्री इंस्टॉल कुछ ऐप्स हैं और आपको ज़रूरत है तो अपने हिसाब से भी कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वीडियो सेक्शन है, वीडियो सेक्शन में आपको यूट्यूब के वीडियोज़ मिल जाएंगे या फिर कोई भी वीडियोज़ मूवी वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर मूवी है, मूवी वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। जो इसी तरह स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, लाइफ है, बहुत सारे व्लॉग है, तो वीडियो सेक्शन में भी आपको बहुत सारे चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद में आता है म्यूज़िक सेक्शन, म्यूज़िक में भी आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, हर तरह की जॉनर के जो है आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो यहाँ से जो है आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। उसके बाद में आता है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको ऐप अपडेट मिलेगा। तो इस प्रोजेक्टर के एप्लीकेशन में अगर कुछ अपडेट होगा तो जो है वो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में इनपुट सोर्स, जहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टर का जो इनपुट सोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि HDMI 1 में जो है मैंने फाइटिव स्टिक जो है वो लगाया हुआ है, HDMI 2 खाली है, AV है और मीडिया यानी कि USB पेन ड्राइव के थ्रू भी जो है आप कंटेंट को देख सकते हैं, कुछ भी फाइल को जो है ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो जहाँ पर आपको जो है नेटवर्क सेटिंग मिल जाएगा, ब्लूटूथ सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पिक्चर सेटिंग, तो पिक्चर सेटिंग्स में भी आपको जो है पिक्चर मोड है सबसे ऊपर में, पिक्चर मोड में आपको यूजर, स्टैंडर्ड, विविड, मूवी, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से पिक्चर मोड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है ये यूजर मोड पे है, इसको मैं बैक करता हूँ। यूजर मोड पे जो है आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, ह्यूज, शार्पनेस, कलर टेम्परेचर, ठीक है, रेड गेन, ग्रीन गेन, ब्लू गेन और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी जो है आप यूजर मोड पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी पिक्चर की जो कलर वगैरह जो है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन वगैरह जो है उसको सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी पिक्चर की जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको साउंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो साउंड के ऑप्शन में भी जो है यहाँ पर आपको साउंड स्टाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी यूजर, स्टैंडर्ड, मैनुअल, म्यूजिक, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो है आप साउंड सेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में जो है आपको 2 स्पीकर मिले हैं, तो उसका भी साउंड टेस्ट जो है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो इसको हम जो है बैक करते हैं, यहाँ पर जो है नीचे में आपको बेस, ट्रिबल, ये भी मिल जाएगा, एडजस्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से बैक में जाते हैं, फिर जो है आपको प्रोजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो प्रोजेक्शन मोर, यहाँ से जो है फ्रंट, रियर, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीलिंग अगर कर रहे हैं प्रोजेक्टर को, सीलिंग फ्रंट, सीलिंग रियर, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में है आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो इसका जो ब्राइटनेस को है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो है 10% के 10 पे लेवल पे है ब्राइटनेस इसका। उसके बाद में है तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका जो है 4D की स्टोन करेक्शन, जो भी कॉर्नर है थोड़े बहुत अगर हैं तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करता है, तो उसको भी ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पिक्चर है वो स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में 4D की स्टोन करेक्शन आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है। 4D की स्टोन करेक्शन तो आपको पता ही है हर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में मिलता है, तो आप अपने हिसाब से प्रोजेक्शन की जो चारों कॉर्नर है उसको सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वर्टिकल मिल जाएगा, जूम एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है आप जूम इन, जूम आउट, जो इसका जो साइज है 60% तक जो है आप कम कर सकते हैं। तो जूम ऑप्शन मिल गया आपको। इसके बाद में डिस्प्ले स्केल में आपको जो है कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, तो इसको प्रेस करेंगे तो आपको जो है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ जाएगा। तो इसको जो है हम बैक करते हैं। उसके बाद में ऐप्स है, तो ऐप सेंटर में जाओगे तो जो जो ऐप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टम में जाएंगे तो सिस्टम में आपको जो है यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सिस्टम लैंग्वेज है, ठीक है, सेट टाइम जोन है, उसके बाद में कीबोर्ड का ये ऑप्शन है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कीपैड टोन है, तो ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है इस डिवाइस के जो बारे में इंफॉर्मेशन है जो भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे में फैक्ट्री डाटा रीसेट है। तो सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शन हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर
टर्म ऑफ यूज़ है, ठीक है। ये वाला जब आप पहली बार इंटरनेट कनेक्शन करेंगे, प्रोजेक्टर को नेट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ परमिशन जो है मांगेगा, तो आपको जो है परमिशन अलाउ कर देना है। जैसे कि टर्म ऑफ सर्विस है, इसको जो है आप अलाउ कर दीजिए। उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। ऐड ऑप्शन, ये इसको अगर आप ऑन करते हैं तो जो प्रोजेक्टर के इंटरफेस में जो आपको सजेशन वीडियो या सजेस्टेड वीडियोज़ वगैरह आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इसको अलाउ नहीं करते हैं या फिर ऑफ़ रखते हैं तो वो चीज़ जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको भी जो है आप ऑन करके रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेटिंग का ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। हम वापस से चलते हैं होम के बटन में। होम में जो है आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम, इस तरह का जो OTT कंटेंट है, आप अगर इस प्रोजेक्टर के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको 480p का ही रेजोल्यूशन मिलेगा, जो कि हर प्रोजेक्टर में होता है। आप अगर किसी भी OTT कंटेंट को वॉच करना चाहते हैं इस प्रोजेक्टर के थ्रू, तो आप Amazon Fire TV Stick या फिर Android Box का जो है यूज़ कीजिए, और वहाँ से जो है आप 1080p या फिर 4K तक का कंटेंट को भी जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप YouTube के वीडियोस अगर देखते हैं तो YouTube के वीडियोस जो है वो आपको 1080p पे ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 1080p तक का रेजोल्यूशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये तो है प्रोजेक्टर की जो ओवरव्यू। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक फुल HD प्रोजेक्टर है, और यहाँ से जो है आप यूट्यूब 1080p पे देख सकते हैं, OTT कंटेंट जो है आप 480p के आसपास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है HDMI के थ्रू Amazon Fire TV Stick 4K कनेक्ट किया है, और यहाँ पर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और स्क्रीन के साइज, कुछ प्रोजेक्टर होते हैं जो उससे थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है मुझे स्क्रीन साइज में, जी हाँ, 12 फुट के डिस्टेंस में थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है, मगर फिर भी अभी जो ये मेरा जो 107 इंच का स्क्रीन है ये 12 फीट के डिस्टेंस में पूरा कवर नहीं कर रहा है, मगर हाँ ये 100 इंच से ऊपर का स्क्रीन बना रहा है। ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, और कलर्स की बात करें तो कलर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से जो है येलो टिंट या फिर वार्म टोन कह सकते हैं, वो आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा, और कलर वगैरह भी जो है ज़्यादा सैचुरेटेड कलर या फिर ज़्यादा डीप कलर नहीं कहूँगा। यहाँ पर पिक्चर मोड का ऑप्शन जो है आपको एक्सटर्नल सोर्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप अगर इस प्रोजेक्टर को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जैसे कि HDMI के थ्रू या फिर USB पेन ड्राइव के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं और कॉन्टेंट को देखते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर मोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक बार मैं जो है पिक्चर मोड पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिमोट पे 3 लाइन वाला बटन है, उसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको पिक्चर मोड और साउंड मोड मिल जाएगा। तो अपन जो है पिक्चर मोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिक्चर मोड फिलहाल जो है ये यूजर मोड पे है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड में इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद में विविड में थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद में फिर मूवी है, मूवी में जो है थोड़ा सा कलर्स जो है कलर सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इन मोड का जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूजर मोड पे आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, यूज शार्पनेस, कलर टेम्परेचर वगैरह को जो है आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से अपने पिक्चर का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और पिक्चर क्वालिटी की। तो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस प्रोजेक्टर के थ्रू। ब्राइटनेस भी इसकी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं 9 वाट का एक बल्ब है, फिर भी जो है इतने बड़े स्क्रीन में विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और किसी भी प्रोजेक्टर को आप अगर डार्क में देखते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आपको गारंटी मिलेगी। थिएटर में भी जो है डार्क एनवायरनमेंट ही होता है, और वहां पर जो है हम मूवी वगैरह वॉच करते हैं, तो डार्क कंडीशन में हर प्रोजेक्टर अपना बेस्ट रिजल्ट जो है वो देती है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टर को मैं सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट करके नहीं दिखाता हूं। तो भाई सेटअप बॉक्स में होता ये है कि आप सेटअप बॉक्स जैसे मेरे यहाँ भी लगाए या फिर किसी के यहाँ भी लगता है सेटअप बॉक्स होता है, तो वो HD फॉर्मेट का होता है या फिर HD रेजोल्यूशन का होता है, जो कि HD रेजोल्यूशन मतलब 480p, जो आपको उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं देगा। आपके पास अगर HD सेटअप बॉक्स है या फिर फुल HD सेटअप बॉक्स है, और HDMI के थ्रू आप अगर कॉन्टेंट देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है
बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा कहना यही है कि आप अगर फुल HD प्रोजेक्टर ले रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप SD सेटअप बॉक्स के साथ में कंटेंट को देखेंगे, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन जो है वहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पिक्चर की शार्पनेस और क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो प्रोजेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप या तो HD या फिर फुल HD सेटअप बॉक्स यूज़ कीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए। ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्टर की बात करूँ तो प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है, हैवी प्रोजेक्टर है, वेट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्टर जो है आपको ट्रेंडिंग गैजेट के वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका करेंट टाइम प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 26,000 है। आप अगर इस प्रोजेक्टर को नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसके बाद ये प्रोजेक्टर का प्राइस जो है थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है ट्रेंडिंग गैजेट के जो सेलर्स हैं या फिर जो कस्टमर सपोर्ट है उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो इस नंबर पे जो है आप डायरेक्ट उनसे बात करके बेस्ट प्राइस पे ये प्रोजेक्टर को परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो यहाँ पर जो है मैं 300 स्क्रीन टेस्ट का वीडियो लेके नहीं आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसका 300 इंच स्क्रीन टेस्ट के बारे में रहेगा, जो इसका 300 इंच के स्क्रीन में किस तरह से ये परफॉर्म करता है, किस तरह से इसका रिजल्ट रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था ऑन AK9 फुल HD प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। बहुत से भाई लाइक करना भूल जाते हैं, तो भाई लाइक का बटन ही प्रेस करना होता है, तो लाइक करते हुए जाइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का लंबी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोजेक्टर का रिव्यू देता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, जो पहले मैं करता था उस हिसाब से इस रिव्यू वीडियो को मैंने शूट किया है बनाया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर कोशिश की है कि जो डायरेक्ट अपने सामने में दिख रहा है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। इसके अलावा प्रोजेक्टर के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।